अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका सूफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुएब सूफ़ी अशरफी रसूल। नाज़रीन, हर इंसान चाहता है, हर बाप चाहता है कि उसकी औलाद अच्छी बने, फर्मा बरदार बने, तालीम याफ्ता बने। हर एक चाहता है कि मेरी औलाद ऐसी बने जो और लोगों के लिए नमूना। तो दोस्तों, बच्चों की तरबियत सबसे पहले बाप के ज़िम्मे होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात इस उन्वान से रखूँगा कि कौन से अवकात होते हैं जब बच्चों को समझाना चाहिए, जब बच्चों को नसीहत करना चाहिए, जब बच्चे आपकी बात सुनेंगे। तो दोस्तों, जब बच्चा रिस्पेक्टिव मूड में हो, चार अवकात ऐसे हैं जब बच्चा रिस्पेक्टिव मूड में होता है, उस वक्त आप बच्चे को जो भी नसीहत करेंगे वो बच्चे के दिल में उतर जाएगी। नंबर एक, जब बच्चा रात को सोने लगे उस वक्त बच्चा लर्निंग मूड में होता है, इसलिए उस वक्त बच्चे कहते हैं हमें कोई कहानी सुनाए। माएँ बच्चों को बिल्ली चूहों की कहानियाँ सुना देती हैं, फिर बच्चों में बिल्ली चूहों वाली हरकतें आती हैं। उस वक्त बच्चों को नबियों और नेक लोगों के वाकयात सुनाने चाहिए जिसमें अच्छी नसीहतें हो, ताकि आपका बच्चा नेक बने। हाँ, ऐसे वक्त में बच्चों को मोबाइल देने से, गेम वगैरह खेलने से बचाने की कोशिश करें, वरना बच्चा आपका वैसे ही बनेगा। नंबर दो, जब बच्चा आपके साथ गाड़ी में बैठा हो उस वक्त भी बच्चा लर्निंग मूड में होता है, इसलिए उस वक्त बच्चा पूछ रहा होता है कि अब्बू ये क्या है, वो कैसे। उस वक्त हम डांट डपट करके बच्चे को चुप करवा देते, वो बहुत कीमती वक्त होता है। उस वक्त बच्चे से अच्छी बातें करें और अच्छी नसीहतें करें, वो आपकी बातों पर तवज्जो देगा और आपकी बातों पर अमल करेगा। तीसरा जो वक्त होता है, जब बच्चा खाने पर बैठे उस वक्त भी बच्चा लर्निंग मूड में होता है, उस वक्त भी आप बच्चे को नसीहत कर सकते हैं, समझा सकते हैं। समझाने का एक तरीका आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि जब बच्चा खाने के लिए आपके पास बैठे उस वक्त आप उमूमी बातें करें, अच्छे लोगों की बातें सुनाएं। जो बच्चे गलत काम करते हैं, देखो बेटा फुला बच्चे ने कैसे गलत काम किया, कितना लोग उसको नाम रख रहे हैं, कितना जो है तो लोग उसको बुरा बोल रहे हैं, कोई उससे प्यार नहीं करता, हर कोई उससे नफरत करता है। इस तरीके से आप जब बातें करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बेटा जो है तो बुरे काम से बच जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे को कोई गलत काम करते हुए देख लिया है तो पुलिस की तरफ जाकर डायरेक्ट उसे कंटी ना पकड़े, बल्कि उसे नज़रअंदाज कर दे और ऐसी किसी मौके पर उस गलत हरकत से बचने के लिए जो है तो नसीहतें करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह आपका बच्चा सही हो जाएगा। चौथा जो वक्त होता है बच्चे को समझाने का, जब बच्चा बीमार हो उस वक्त भी बच्चा लर्निंग मूड में होता है, उस वक्त आप जो भी नसीहत करेगी वो बच्चे के दिल में नक्श हो जाएगी। आपने बच्चों को जो भी नसीहतें करनी हो इन अवकात में करें, बच्चे ज़रूर आपकी नसीहतों पर अमल करेंगे। बेवक्त बच्चे को कभी नसीहत ना करें, क्योंकि बच्चे कभी खेलने या किसी और मूड में होते हैं। हम बच्चों को नसीहतें करना शुरू कर देते हैं, उससे बच्चा खेलना खींचना शुरू हो जाता है, और आपकी आठ बातों को अहमियत नहीं देता, इसी वजह से बच्चा नाफरमानी करता है। हम फिर उसको मार पीट करते हैं और ज़्यादा अपना बागी बना देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि मौलाना दुआ कीजिए हमारा बेटा फरमाबरदार हो जाए। दोस्तों, बेटे को अगर आप फरमाबरदार करना चाहते हैं, ये चार अवकात आपकी खिदमत में रखा हूँ, इन अवकात में बच्चों की तरबियत कीजिए, नसीहत कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल सूफ़ी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। चलते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।